हिंदी फिल्मों में कुछ ही ऐसे प्रतिभावान कलाकार हुए हैं जिनकी पहचान महज एक एक्टर के रूप में न होकर फिल्मों में उनके द्वारा किए गए अन्य कामों से भी है, और ऐसे कलाकारों को बहु प्रतिभावान कलाकार यानी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही एक बहु प्रतिभावान कलाकार हैं मनोज कुमार जी, जिन्होंने अभिनय के साथ साथ लेखन, निर्देशन, निर्माण और संपादन का काम भी बड़ी ही सफलता पूर्वक किया। मनोज कुमार जी के अभिनय और उनकी फिल्मों से तो लोग वाकिफ है ही, लेकिन उनके परिवार के बारे में कम लोगों को ही पता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मनोज कुमार जी के परिवार में कौन कौन है और आजकल वे लोग क्या कर रहे हैं। मनोज कुमार जी के पिता का नाम HL गोस्वामी था, जो एक व्यवसायी होने के साथ साथ एक शायर भी थे। उनका लिखा कलाम सिमरन काफी चर्चित हुआ था, जिसके लिए उन्हें महाराष्ट्र उर्दू अकादमी की ओर से अवार्ड भी मिला था। वर्ष 1983 में मनोज कुमार जी के पिता का निधन हो गया था। 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद शहर में जन्मे मनोज कुमार जी का असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी है। मनोज कुमार जी का बचपन शेखपुरा और लाहौर जैसी जगहों पे बीता, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। बंटवारे के बाद 10 वर्ष की उम्र में मनोज अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए, जहां कुछ दिनों तक वे विजयनगर स्थित एक शरणार्थी कैंप में रहे। बाद में वे नई दिल्ली के राजेंद्र इलाके में रहने लगे और वहां रहकर उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली और हिंदू कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। बचपन में ही वे दिलीप कुमार की जुगनू और शहीद जैसी फिल्में देखकर एक्टर बनने का सपना देखने लगे थे। दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद ही उन्होंने सोच लिया था कि अगर वे एक्टर बनेंगे तो मनोज कुमार नाम से, क्योंकि उस फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार का नाम मनोज उन्हें बहुत पसंद आया था। वर्ष 1956 में वे मुंबई आ गए और यहाँ पहुंचकर उन्होंने घोस्ट राइटिंग का काम शुरू किया। वर्ष 1957 में आई फिल्म फैशन में एक 80 वर्ष के बुजुर्ग की छोटी सी भूमिका से अभिनय की शुरुआत करने के बाद मनोज कुमार ने कुछ और फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की। बतौर नायक मनोज कुमार पहली बार 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में नजर आए। 1964 में रिलीज हुई फिल्म हरियाली और रास्ता की कामयाबी के बाद मनोज कुमार की पहचान एक सफल एक्टर के रूप में बन गई। उन्होंने अपने करियर में तकरीब 45 से अधिक फिल्में की, जिनमें हर तरह की फिल्में शामिल हैं। मनोज कुमार की फिल्म शहीद देखने के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे अपने प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान पर भी फिल्म बनाने के लिए कहा। तब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई, जो बेहद सफल हुई। उपकार फिल्म के बाद मनोज कुमार ने कई और देशभक्ति फिल्में बनाई, जिनमें सबसे प्रमुख फिल्म है क्रांति। मनोज कुमार जी की देशभक्ति पर आधारित फिल्में इतनी पसंद की गईं कि मीडिया ने उन्हें भारत कुमार का नाम दे दिया। फिल्मों में अभूतपूर्व योगदान के लिए मनोज कुमार जी को ढेरों कैटेगरी में अवार्ड मिलने के साथ साथ पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। अब बात करते हैं मनोज कुमार जी की संगिनी के बारे में। उनकी पत्नी का नाम है शशि गोस्वामी, जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। मनोज कुमार और शशि जी की मुलाकात दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही हुई थी। एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया था कि तकरीब 1.5 साल तक वे एक दूसरे को दूर से ही निहारते रहे। बाद में कुछ कॉमन फ्रेंड्स की मदद से उन्हें साथ में एक फिल्म देखने का मौका मिला और उसके बाद वे अक्सर ही मिलने लगे। ये सिलसिला तकरीब 5 सालों तक चला। मनोज जी बताते हैं कि शशि जी की माँ और उनके भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे। बहरहाल फिल्मों में सफल होने के बाद 1 दिसंबर 1961 को सबकी रजामंदी से मनोज कुमार और शशि जी का विवाह हो गया। शशि गोस्वामी ने कुछ रेडियो नाटकों में काम किया था। वर्ष 1957 में उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का प्रस्ताव भी मिला था। उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने मनोज कुमार से पूछा कि क्या उन्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए, तो मनोज जी ने उनसे कहा कि हम दोनों में से केवल एक को ही फिल्मों में काम करना चाहिए। मनोज कुमार के 2 बेटे हैं, कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। मनोज कुमार ने कुणाल गोस्वामी को उनके किशोरावस्था में ही फिल्म क्रांति में बतौर एक्टर लॉन्च किया। इसके बाद कुणाल गोस्वामी ने और भी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक थी अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ कलाकार नाम की फिल्म। इसका गाना नीले नीले अंबर पर लोग आज भी सुनते हैं। बाद में कुणाल ने रिक्की, घुघरू, दो गुलाब, आखिरी बाजी, पाप की कमाई, नंबरी आदमी और विश्व कन्या जैसी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कोई भी फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। वर्ष 1999 में मनोज कुमार ने फिल्म जय हिंद से कुणाल को रिलॉन्च किया, लेकिन कई बड़े नाम होने के बावजूद यह फिल्म भी नाकामयाब रही। कुणाल गोस्वामी ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल भारत के शहीद, किट्टी पार्टी, अलग अलग और परंपरा में भी काम किया है। अभिनय के क्षेत्र में असफल होने के बाद कुणाल ने दिल्ली में अपना कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया और अब उसी काम में व्यस्त हैं। कुणाल की पत्नी का नाम रिति गोस्वामी है। उनका एक बेटा है जिसका नाम है कर्म गोस्वामी। मनोज कुमार जी के दूसरे बेटे का नाम है विशाल गोस्वामी, जो कि एक गायक है। अपने भाई कुणाल गोस्वामी की फिल्म रिकी में लगभग सभी गीत विशाल गोस्वामी ने ही गाए थे। इन्होंने टी सीरीज के बैनर तले वर्ष 1992 में सुराही नामक एक गजल एल्बम भी निकाली थी। विशाल की पत्नी का नाम है प्रिया गोस्वामी और उनके बेटे का नाम है वंश गोस्वामी, जो कि एक अभिनेता है। बेटी मुस्कान गोस्वामी फैशन के क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ भी बतौर सहायक काम किया है।
मनोज कुमार से छोटे उनके एक भाई और एक बहन है। भाई का नाम राजीव गोस्वामी है जो कि एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है। राजीव गोस्वामी ने वर्ष 1983 में मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू से बतौर अभिनेता डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया लेकिन सफल न हो सके। बाद में उन्होंने निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में जाने का निर्णय ले लिया। मनोज कुमार जी की बहन का नाम ललिता गोस्वामी है जो लाइमलाइट से दूर रहती है। हालांकि इंटरनेट पर अधिकतर जगहों पर मनोज कुमार जी की बहन का नाम नीलम गोस्वामी बताया गया है। अपने कई इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया है कि उनका एक और छोटा भाई भी था जिसका नाम कुक्कू था। दोस्तों, यह बंटवारे के वक्त की बात है। मनोज कुमार जी की माँ और उनका 2 महीने का भाई बीमारी की हालत में एक अस्पताल में भर्ती थे। उस दौरान जब दंगा भड़का तो डर से वहाँ के डॉक्टर और नर्स सभी अस्पताल छोड़कर भाग गए और इलाज के अभाव में उनके छोटे भाई का निधन हो गया। मनोज कुमार के बहनोई का नाम अशोक बी भूषण है जो कि एक फिल्म निर्देशक हैं। क्रांति फिल्म पूरी होने के बाद जब मनोज कुमार ने अपने भाई राजीव गोस्वामी को बतौर अभिनेता लॉन्च करने के लिए फिल्म पेंटर बाबू बनाई तो इसके निर्देशन का काम उन्होंने अशोक बी भूषण को सौंपा। और उसके बाद मनोज कुमार ने जब अपने बेटे कुणाल को नायक के रूप में, दूसरे बेटे विशाल को गायक के रूप में लॉन्च करने के लिए फिल्म रिकी बनाई तो इसका निर्देशन भी उन्होंने अशोक बी भूषण को ही सौंपा। बाद में अशोक भूषण ने कुछ और फिल्मों का निर्देशन भी किया जिसमें आहुति और शिरडी के साई बाबा प्रमुख हैं। मनोज कुमार निर्माता आर्यन गोस्वामी के भतीजे हैं। आर्यन गोस्वामी ने ही मनोज कुमार की कालजयी फिल्म उपकार का निर्माण किया था। दोस्तों, आर्यन गोस्वामी मशहूर निर्माता व अभिनेता मनीष गोस्वामी जी के पिता हैं। मनीष ने दूरदर्शन के टीवी सीरियल भारत के शहीद में बतौर साइड प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन के साथ काम करने के बाद सीरियल किट्टी पार्टी और परंपरा आदि का निर्माण किया। मनीष गोस्वामी के बेटे सिद्धांत गोस्वामी भी बतौर डायरेक्टर कार्यरत हैं। मनोज कुमार के फुफेरे भाई लेखराज भाकरी 50 व 60 के दशक के बड़े लेखकों और निर्देशकों में शामिल थे। मनोज कुमार की पहली फिल्म फैशन के निर्देशक लेखराज भाकरी ही थे। उन्होंने उसके बाद भी मनोज कुमार को अपनी कई फिल्मों में मौका दिया जिनमें पंचायत, चांद और बनारसी ठग आदि फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को लेखराज भाकरी ने ही लिखा हुआ था। लेखराज जी के बेटे सुभाष भाकरी भी एक निर्देशक हैं और पंजाबी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी बेटी यानी लेखराज जी की पोती शिवा भाकरी भी बतौर अभिनेत्री हिंदी और पंजाबी फिल्मों में सक्रिय हैं। लेखराज जी के भाई मुल्कराज भाकरी जी उस दौर के एक जाने माने गीतकार हुआ करते थे और उनके बेटे मोहन भाकरी हॉरर फिल्मों के निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। लेखराज भाकरी जी के दूसरे भाई एक मशहूर सिनेमेटोग्राफर हुआ करते थे जिनका नाम है राजकुमार भाकरी। उन्होंने हातिम ताई की बेटी, गुस्ताखी माफ और टैक्सी नंबर 555 जैसी कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में बतौर सिनेमेटोग्राफर काम किया है। अपने काम को एक इबादत की तरह मानने वाले महान अभिनेता, लेखक, निर्देशक, संपादक व निर्माता मनोज कुमार जी को नारद टीवी नमन करता है और उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारा टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारा टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।